चोर है चोर रहेंगे। जो कहेगा ना अभी शेर, मैं कहेगा लानत उस पे, जो अभी कहेगा शेर सबसे बड़ी लानत उस पे। तब्दीली कोई बंदा लेके आए पाकिस्तान में, कोई सियासत में कोई भी आए काजिन का मुकाबला तो कर सके। इमरान खान से तब्दीली आ गई, पाकिस्तान नया बनेगा, वो नया गया सबसे पीछे आ गया, चाहे आगे बढ़ना था बढ़ गया, तालीम में आगे बढ़ा, लेकिन कुछ नहीं बढ़ा। ये जल्दी मार्केटें बंद करने से लोड शेडिंग पे काबू नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने घरों में भी एसी चला रहे हैं, बिजली की खपत तो वैसे ही हो रही है। बिजली को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए को रेंटल पावर जितने भी केस वगैरह जो ओपन करके बिजली को अच्छे तरीके से चलाएं, और दूसरे मुल्क को देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, वहाँ पे बिजली का कोई इतना इशू नहीं है और ना कोई टाइमिंग का इशू है। अभी क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 9 बजे बंद करके क्या हो जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमीन। आज हम मौजूद हैं अनारकली मार्केट में। अनारकली मार्केट में हुकूमत के हुक्म के मुताबिक मार्केट जो है वो पूरी की पूरी 9 बजे बंद कर दी जाती है, पूरा एक्शन लिया जाता है इसके हवाले से, और ये एक्शन इसलिए लिया जा रहा है ताकि लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जा सके, अर्ली इलेक्शन के ऊपर डिसीजन लिया जा सके। इस वजह से ये लॉकडाउन जो है 9 बजे के बाद लगा दिया जाता है पूरे लाहौर में। तो आज पाकिस्तानी अवाम की, ताजरों की और सारे दुकानदार की हम लोग राय लेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि 9 बजे दुकानें बंद करने से क्या होगा, क्या एक्शन ये हुकूमत को हुकूमत के मामलों को ठीक कर सकता है कि नहीं। आइए जानते हैं ताजरों से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पॉलिसी बनाई गई है 9 बजे मार्केट बंद करने की, ये इतनी सख्ती से इसको फॉलो भी किया जा रहा है, बंद भी करवाई जा रही है, पुलिस की तरफ से भी एक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये हमारे मामलात यानी लोड शेडिंग वगैरह सियासतदानों के जो मामलात हैं वो सेट कर सकेगी? नहीं, पहली बात ये है कि ये जो हम ताजरों ने कहा था कि भाई 3 घंटे ना आप लाइट ना भेज दें, हमें कारोबार करने दें, पहले ही इतनी मुश्किल से कोरोना के हालातों से निकले हैं, ठीक है, अभी उन्होंने और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। अब तो पहले तो फिर थोड़ा नॉर्मल था, इतनी सख्ती ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, लेकिन ये ताजरों का माशी कत्ल कर रहे हैं। एक और बात बताऊं, ये मनहूस हैं। क्या मनहूस? ये बगैरत मनहूस हैं, क्या समझे इन? ये मनहूस जब भी आते हैं ये लोड शेडिंग लेके आते हैं। इमरान खान के दौर में क्यों नहीं थी लोड शेडिंग, बताएं क्यों नहीं थी? ये जब भी मनहूस आते हैं, ये बगैर के बच्चे जब भी आते हैं, ये साथ में लोड शेडिंग लेके आते हैं। इमरान खान के दौर में क्यों नहीं थी? ये इनके दौर में, ये चोर हैं, ये बगैर तो और फ्लैट बनाना चाहते हैं उधर जाके, इनको पता है अगले हमारे हुकूमत हम इनकी नहीं है, इमरान खान की ही है। ये कहते हैं 1.5 साल में इतना लूट लें कि चल हम स्कूल से जाके बाकी सारी जिंदगी ना, पहले बच्चे इनके बाहर हैं, ये चोर हैं चोर रहेंगे। जो कहेगा ना अभी शेर, मैं कह रहा लानत उस पर, जो अभी कहेगा शेर सबसे बड़ी लानत उस पर, जो अभी कहे शेर मनहूस हैं। इमरान खान गुड है और मर्द बंदा है, ये खुसरे हैं, क्या समझे, ये खुसरे हैं, वो मर्द आदमी था, फिलहाल इनको दोबारा चांस देना चाहिए इमरान खान को चांस देने से आपको लगता है कि ये लोड शेडिंग वगैरह ये सारी चीजें हमारी जो है कंट्रोल में आ जाएंगी? इंशाल्लाह आएंगी। और ये जो ये एक्शन कर रहे हैं फौरन, मतलब कि 9 बजे आके ऐलान करवा देते हैं, ट्रक्स आ जाते हैं, रेल वगैरह उठा के ले जाते हैं, आपको लग रहा है इस एक्शन से ताजर हजरात के मतलब के गरीब आदमी जो है वो सड़कों पर निकलने के हालात में आ चुका है? देखिए, गरीब आदमी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रक्षे वाले अपने रक्षों को आग लगा रहे हैं, इतना कहर कराम मचा दिया उन्होंने, ये मनहूस हैं। ये जब भी पाकिस्तान में आते हैं लोड शेडिंग लेके आते हैं, फिलहाल इनको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यहाँ से दफा हो जाएं, बाकी फैमिली आपकी इंग्लैंड है वहाँ जाके स्कूल से रह जाके छोड़ दे पाकिस्तान की जान। सर, आपको लगता है कि ये जो मार्केटें हैं 9 बजे बंद करवाने से हमारे जो हुकूमत के सारे मसले हैं मसाइल हैं, लोड शेडिंग के जो मसले मसाइल हैं, ये लॉकडाउन करने के बाद ये 8-9 बजे का लॉकडाउन जो कर देते हैं इससे सारे मामला हल हो जाएंगे? इसमें मामला जो है ना पाकिस्तान में आज तक कुछ सुधार नहीं सका अभी तक, बाकायदे के बाद कोई बंदा ऐसा नहीं जो पाकिस्तान को चला सके। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें हर चीज़ मौजूद है, गंदम मौजूद है, अपनी हर चीज़ नमक मौजूद, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मार्केटें सारी चलने वाली, अकबरी मंडी सबसे पहले बंद, हाल रोड सबसे पहले बंद, ब्रांच रोड सबसे पहले बंद, आजम मार्केट बंद, तो जो मार्केट चल रही है उससे कस्टमर इधर आना है, वो मार्केट पहले बंद कर दो जी, तो कस्टमर तो खत्म हो गए सर।
जो बंदा रोजगार चला रहा है वो उसका खत्म हो गया, कमाना यही भी इसी टाइम पे है। लोड शेडिंग आपको लगता है इसे कंट्रोल हो जाएगी? कंट्रोल कुछ भी नहीं होगा। आज से 5 साल पहले शिवाज ने कहा था जो लोड शेडिंग नहीं होगी, तो 5 साल के बाद वही कुछ हो रहा है, आज भी वही कुछ हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो तब्दीली तो आए ना, तब्दीली कोई बंदा लेके आए, पाकिस्तान कुछ सियासत में कोई भी आए काजिन का मुकाबला तो कर सके। सब रिलेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में लोड शेडिंग नहीं थी। लोड शेडिंग नहीं थी, शिवाज जब आए थे उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से कोई अभी तक नहीं चला सका। कोई बंदा ऐसा आ जाए पाकिस्तान को चला सके, यहाँ भी कायदे का मुकाबला हम कायदे के मुताबिक हम चल सकें, क्योंकि कायदे की सोच थी कि पाकिस्तान बनाना है, उसको डेवलप करना, आगे लेके जाना, वो कुछ भी नहीं है। नाजिर हजरात जो है वो ये 9 बजे के एक्शन की वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जितना भी यहाँ पे वर्कर है सारा मुलाजिम, वो बंदा जलील हो गया, खाने का मिल कुछ नहीं रहा, घी वो महंगा, आटा वो महंगा, हर चीज़ महंगी, जॉब खत्म हो गई, टाइम ओवर खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, जो ओवर टाइम करते थे जॉब में एक्स्ट्रा मिलती है वो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। 9 बजे तक सारा कुछ बंद हो जाता है, वो फिक्स सैलरी आ गई, इस गरीब बंदे की 10,000 सैलरी 10 ही रह गई, उसके ऊपर ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी 15 थी 15 उसका अगर 100-200 एक्स्ट्रा मिला तो वो भी ख़त्म हो गया। तो गरीब बंदे को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो वो चीज़ कुछ भी नहीं है। हम बंदे यहाँ पे खड़े हैं जलील हो रहे हैं जी, तो फटाफट ख़त्म कर दें अपना, सब उठा दें, ख़त्म कर दें, घर चले जाएँ, जाके वेले बैठ जाए, जो है वो खा लें, और कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत से क्या अपील है आपकी और आपका इस एक्शन के बारे में क्या राय है? पाकिस्तान मैं कहता हूँ शिवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान मिल के आ जाए, ये नहीं कि वो बंदा गलत वो बंदा गलत, हर बंदा कहता है वो बंदा है वो लूट के ले गया, वो बंदा है वो लूट के ले गया, नहीं कोई बंदा तो ऐसा जो पाकिस्तान को चला सके, आगे लेके जा सके, कि कोई ऐसी तब्दीली आ कि हाँ भाई अपने मुल्क की चीज़ें, बिजली अपने मुल्क में बनती है वो नहीं पूरी हो रही, गंदम अपने मुल्क में वो नहीं पूरी हो रही, नमक है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, जो फ्री आ रहा है वो भी बाहर जा रहा है, तो पूरा नहीं हो रहा, कोई चीज़ ले लें वो कहते हैं ख़त्म हो गई, ब्लॉक हो गई, ख़त्म हो गई, हर चीज़ बिल्कुल ब्लॉक हो गई, कोई चीज़ ले लें। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा तब्दीली ले आया, कोई बंदा हाँ जी इमरान खान से तब्दीली आ गई पाकिस्तान नया बनेगा, वो नया गया सबसे पीछे आ गया, चाहे आगे बढ़ना था बढ़ गया, तालीम में आगे बढ़ा लेकिन कुछ नहीं बढ़ा, शिवाज ने तालीम की, हॉस्पिटल बनाए लेकिन फिर तब्दीली आ गई, गरीब बंदा और गरीब हो गया। देखें पहली तो बात यह है कि इमरान खान ने सत्यानाश कर दिया, लोड शेडिंग उसी की वजह से हो रही है, ये वो 27 उसने बिजली घर बंद कर दिए हुए थे, जब शिवाज शरीफ आया उसने 24 खोल दिए है, 3 उसने बाद में ओपन किए हैं, और ये दूसरा काम जो है ये मार्केटों वाला 9 बजे का, आजकल तो गाग है ही नहीं है मार्केट में, कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल फना हुआ है, महंगाई का आलम है। दूसरा ये कि सुबह लेट खुलती है दुकानें, 12-1 बजे दुकानें 12-1 बजे खुलती है गर्मी की वजह से, तो कितनी सेल हो जाती है आप? बिस्मिल्लाह करनी औखी हुई है, बिस्मिल्लाह अभी तक नहीं हुई, बहुत मुश्किल हुआ है, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही आजकल, ये कारोबार हुए है, ये निज़ाम हुआ है आजकल, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, ये जल्दी मार्केटें बंद करने से लोड शेडिंग पर काबू नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने घरों में भी एसी चला रहे हैं, बिजली की खपत तो वैसे ही हो रही है, तो बहरहाल आवाम को रिलीफ देना चाहिए, मईशत बहाल करनी चाहिए, कारोबार जिससे सही ताजर बरदरी से ये गवर्नमेंटें चलती है, और ताजरों को रिलीफ नहीं देंगे तो ये फिर आगे अल्लाह ही ओवरऑल बंद करें मार्केटें सारी। आपको पता है कि मार्केट्स में ये पुलिस हजरात वगैरह ये जितने भी ऐलान करने वाले आते हैं ऐलान करके चले जाते हैं, तो अगर मार्केट बंद ना की जाए तो क्या एक्शन आता है इनकी तरफ से? वो फिर ये है कि पुलिस तंग करती है मार्केट में आके ना, वो फिर आके तो वैसे ही सील के वो पोस्टर लगा देती है, फिर जुर्माने करती है, यानी सील का हो जाता है मसला। हाँ जी गलत हो जाता है काम सारा जो है ना, ये या तो एक रूटीन वाइज जो ना एक कारोबार का एक सिस्टम बना दें कि टाइमिंग काट दें कि इतने बजे खुले इतने बजे बंद हो, ताकि सारे ताजर भाई जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ फिर उसके साथ चले। इसमें फिलहाल वक्ती तौर पर तो कुछ ना कुछ कंट्रोलेबल होगा, ठीक है, पर ये कोई परमानेंट कोई सलूशन नहीं है जिसमें ये लोग इस तरह की ये किया जाए कि 9 बजे की दुकानिंग है, इसमें कोई टाइम सेट करना चाहिए, जिस तरह होलसेल मार्केट्स हैं बैंक्स हैं उनके साथ कोई सेटलमेंट करनी चाहिए, बैंक तो वही 9 to 5 ही खुल रहा है, ठीक है, जो बर्डन आ रहा है वो रेडीमेड पे इस टाइम ज़्यादा आ रहा है, होलसेल पे इतना बर्डन नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका टाइमिंग ही यही 7 बजे तक होता है, उनको कहा जाए उनके लिए 4 बजे तक टाइम करें, कुछ टाइम का ऐसा शेड्यूल बनाया जाए जिसने ना उनको तंगी हो ना हमें तंगी हो, इस तरह गवर्नमेंट परमानेंट नहीं इस तरह कोई सोल्यूशन निकलेगा, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की फिलहाल बचत कर लेंगे, फिर भी हमारा देख लें कहीं ना कहीं से पेट्रोल कंजम्पशन शॉप से डेली का 500 का पेट्रोल है, ठीक है, उसके बाद हम तनख्वाहें लड़कों की कहाँ से निकालेंगे, हमारा तो काम ही शाम को स्टार्ट होता है 5-6 बजे के बाद,
पर ये कोई सलूशन नहीं है जिस पे ये बात की जाए कि 9 बजे दुकानें बंद कर ली या देख। इसमें अगर हमें ये देते हैं कि जी ये वक्ती तौर पे है, अभी साल गुजरा नहीं है, हमने कोरोना फेस किया है 2-3 साल, उस पे हमने यही चक्करों में 8 बजे 6 बजे दुकानें शॉप्स बंद हो रही हैं, पर एट दी एंड उसके बाद भी कुछ हालात बेहतर नहीं हुए, मजीद ख़राब हो रहे हैं, ऊपर से 9 बजे का टाइम, ये हमें कुछ समझ नहीं आती इस तरह की कोई बात। कितनी सेल हो जाती है आपकी अगर आप शॉप खोलते हैं तो 9 बजे तक कितनी सेल हो जाती है आपकी? अगर पिछले 3 सालों का कंपैरिजन किया जाए तो आजकल के हिसाब से 10-15% है, तो ये कोई सेल नहीं है। अगर हमारा कस्टमर निकलता ही 9-8 बजे के बाद है, अब जब 9 बजे शॉप्स बंद हो जाएंगी उसमें हम क्या काम करेंगे, क्या परचेजिंग करेंगे, क्या करेंगे हम? सर मार्केटें जो हैं वो 9 बजे बंद कर दी जाती हैं, आपको तो पता होगा क्योंकि आप तो डेली ये आपका रिक्शे का काम है, मार्केटें बंद हो जाती हैं, तो आपकी रुझी पर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है और आपको लगता है कि लोड शेडिंग वगैरह ये सियासत के जितने भी मसले मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे 9 बजे मार्केट्स बंद करने से? मेरे ख्याल में ये मसाइल हल नहीं होंगे क्योंकि अभी 9 बजे देखें मार्केट तो टोटल बंद हो गया, जितने भी कस्टमर हैं वो जल्दी चले जा रहे हैं और हमारा भी काम मुतासर हो रहा है। बिजली को कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि रेंटल पावर जितने भी केस वगैरह जो है ओपन करके बिजली को अच्छे तरीके से चलाएं और दूसरे मुल्क को देखें, तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, वहाँ पे बिजली का कोई इतना इशू नहीं है और ना कोई टाइमिंग का इशू है। अभी क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे बंद करके क्या हो जाएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम जो है वो पिस रही दिन ब दिन, वो पिस रही है, पेट्रोल आप देख रहे हैं 236 रुपये हो गया है, डीजल 263 रुपये हो गया है, आवाम की बिसात से हर चीज़ बाहर होती जा रही है, महंगाई का इतना शोर शराबा है कि आप बता भी नहीं सकते। और शहबाज शरीफ आए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है, आवाम को दरबदर कर दिया है। तो पहले पेट्रोल की कीमत भी कम थी, अब तो टाइमिंग भी सारी जो है वो मार्केट की कम हो गई, तो अब आपकी मतलब कि सेल वगैरह में यानी लेकर आने जाने में कोई फ़र्क पड़ रहा है? ज़ाहरी बार काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, 10-11 बजे 12 बजे बाज़ार खुलते हैं और 7-8-9 बजे बंद हो जाते हैं, कस्टमर भी 12-1 बजे शुरू हो जाते हैं, स्कूल वैसे बंद है, कॉलेज भी बंद हैं, ऊपर से इतनी महंगाई है, सवारी से जितने पैसे मांगे 400 रुपये मांगे 500 रुपये मांगे, वो सवारी जो लोकल के हिसाब से चली जाती है, स्पीडों में जा रही है, मेट्रो में ज़्यादा रेफर कर रहे हैं लोग। तो क्या कहना चाहेंगे कि मुल्क के हालात जो हैं वो ये मार्केट जल्दी बंद करने से या फिर पेट्रोल महंगा करने से बेहतर होंगे? नहीं, पेट्रोल महंगा करने से भी नहीं होंगे, ना बिजली बंद करने से होंगे, ऐसा बंदा है जो इनकलाबी बंदा है, ना इमरान खान हमें चाहिए ना शहबाज शरीफ चाहिए, ये सारे शोबाज हैं, इमरान खान वो भी इस तरह इनकलाब लेके आए लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। हम चाहते हैं कि ऐसा बंदा आए और जो निज़ाम को टोटल को चेंज कर दें यहाँ पर पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल नज़र आए, हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये बेहतर मुस्तकबिल कैसे होगा? मैं तो यही कहता हूँ कि अच्छा बंदा है जो इनकलाब खुमैनी की तरह इनकलाब लेके आए, और ये जो देखें कब्ज़ा माफिया हो गई, ये लैंड माफिया हो गई, ये सारी चीज़ें जो मिलके पाकिस्तान के एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहिए बच्चों को, हम ये ना कि रोज तारीख मुस्तकबिल देंगे बच्चों को। जी तो नाज़रीन, आपने ताजरों से जाना कि जो ये एक्शन है हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने सियासतदानों के साथ, हम इनके साथ कम्प्रोमाइज़ करेंगे 9 बजे दुकानें बंद करने से, लेकिन इनको चाहिए कि ये हमारे साथ भी कम्प्रोमाइज़ करें, ताजर कम्यूनिटी के साथ बैठ के कोई बातचीत की जाए, क्योंकि टाइम फिक्स किया जाए ताकि जो हमारी सेल है, हमारी सेल जो है वो बेहतरीन हो, क्योंकि आगे महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अगर हम लोग आम आवाम को देखें तो आम आवाम को मद्देनज़र रखते हुए इनको कोई फैसला लेना चाहिए, मार्केट को बंद करने का फैसला भी या और किसी किस्म का फैसला भी, लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के तरीके और भी हैं, और तरीके से भी लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको इससे कोई ना कोई मैसेज मिला होगा। अपनी होस्ट सभा को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।